मसीह को बोलना मेरे दिल में आ, उसके अनुसार उसकी राहों पे चलना, उसके वचन पे चलना। गिर जाओ, गलती करो, तो भी संभल के आगे चलो, बढ़ते जाओ यीशु मसीह में। आप जीवन जल को पी रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा, परमेश्वर मैं जीवन जल कहां से तुझे दूं? हां, लेकिन तू तो मुझे दे सकता है, तू मुझे जीवन जल दे दे ताकि मैं इतनी दूर पानी भरने को ना आऊं। अभी भी उस औरत को समझ नहीं आई, अभी भी वो शरीर में थी कि मैं पानी भरने को ना आऊं तो मुझे वो जीवन जल दे दे, वो जादू वाला जो मटका है ना वो दे दे, मैं घर पे पानी भरती रहूंगी, टूटी लगा दे जादू वाली। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, वो जीवन जल नहीं, ठीक है मैं तुम्हें जीवन जलता हूं। यीशु मसीह ने कहा, जा अपने पति को लेके आ। कहती, परमेश्वर, स्त्री ने कहा 17 आयत में, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने कहा, तू ठीक कहती है कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब भी है वो तेरा पति नहीं। तूने सच कहा है। सुनो मेरी बात। यीशु मसीह ने कहा, तू सच कह रही। उस स्त्री ने कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। 27 में लिखा, इतने में यीशु मसीह के चेले आ गए और हैरानी करने लगे कि ये एक औरत से बातें क्यों कर रहा है। तो भी किसी ने पूछा नहीं, तू क्या चाहता है और क्यों बातें करता है। वो स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ हम एक मनुष्य को देखें जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कि कहीं ये मसीह तो नहीं। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। 39 आयत में लिखा, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी कि मैंने जो भी काम किए यीशु मसीह ने मेरी सारी जिंदगी मुझे बता दी। वो सामरी कहने लगे, आओ हमारे पास परमेश्वर। तो वो वहां 2 दिन तक यीशु मसीह उनके पास रहे और यीशु मसीह ने वचन दिया और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और उस गांव के लोगों ने उस औरत को कहा, अब हम तेरे कहने से ही नहीं विश्वास करते, परंतु हमने आप भी सुन लिया और जान लिया कि यही जगत का उद्धार करता है। सुनो ध्यान से। अब यहां पर हम उस औरत को एक पापी औरत के रूप में देख रहे हैं, ऐसी औरत, ऐसी जाति की जिससे बड़े लोग व्यवहार नहीं रखते थे, पानी तक नहीं पीते थे उनके हाथ का। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे अपने जैसा करना चाहता हूं, तू मुझे मुझसे पानी पी, जीवन जल का सोता तू बन जाएगी खुद भी, जा अपने पति को लेके आ। उसने कहा, मैं बिना पति की हूं। उसने कहा, तू ठीक कहती, तू 5 पति कर चुकी है और जिस इंसान के पास तू अब रहती है 6वां, वो भी तेरा पति नहीं। उसने कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। और बाइबल कहती, वो स्त्री खड़ा उठाया और भाग गई अपने गांव और बोलने लगी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो एक बंदा है वहां पे, उसने मैं जो मेरे पास में मैंने किया आपको भी मालूम नहीं उसका, उसने सारा कुछ बता दिया। वो बंदे दौड़े परमेश्वर के पास और जाकर देखने लगे और यीशु को बोला, प्रभु 2 दिन हमारे साथ चल। और बाइबल कहती, वो 2 दिन वहां रहा और उनसे वचन पे बात की और उन लोगों ने कहा, हम तेरे कहने से ही नहीं बल्कि अपने आंखों से भी हमने देखा, विश्वास किया। क्योंकि वहां पे यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, उनके पापों के बारे में बताया, उनको हील किया, उनको क्षमा किया, उनमें से लंगड़े चलाए, अंधों को दिखाया और उन लोगों ने कहा, अब हम अपने देखने से भी विश्वास करते हैं। अब बात क्या थी, अगर आप लोग देखते हैं बाइबल में, आप देख रहे हैं कि ये औरत एक पापी औरत थी, लेकिन परमेश्वर को वो पापी औरत नहीं दिख रही थी, परमेश्वर को वो एक चाबी दिख रही थी सुसमाचार की, जो उसके पूरे गांव को बचाने वाली थी। आपको लगता है कि आज इस चर्च में आपका पड़ोसी आया है जो नशे करता है, शायद वो अब भी आपके पास शराब पी के बैठा हो चर्च में, शायद अभी भी सिगरेट पी के बैठा हो और आपको लगता है वो पापी है, लेकिन आपको नहीं लगता आने वाले टाइम में वो अपने गांव को बचाने वाला है, आने वाले टाइम में वो अपने नगर को बचाने वाला है, आने वाले टाइम में वो अपने देश को बचाने वाला है। आप जितने भी बड़े मर्जी पापी क्यों ना हो, आपने कितने भी बड़े गलत काम ना किए हो, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह के साथ आपका सामना आमना होता है और यीशु मसीह अपनी पावर को आपको दिखाते हैं, बाइबल कहती है आप तौबा करते हैं, आप क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, लोग आपको देख सकते हैं कि नहीं इससे बात मत करना, ये हमारे मोहल्ले का नशेड़ी है, इससे बात मत करना, ये सिगरेट पीता है, इससे बात मत करना, ये बहुत बिगड़ा हुआ इंसान है। लेकिन यीशु मसीह उसे बिगड़े हुए इंसान के रूप में नहीं, उसे एक चाबी के रूप में देखते हैं, उसे एक दरवाजे के रूप में देखते हैं, उसे उस रूप में देखते हैं कि ये वो जन है जो आने वाले टाइम में हजारों और लाखों को बचाने वाला है। अगर आज से 17 साल पहले आप मुझे देखते यीशु मसीह के लोगों को बुरा भला बोलते हुए,
हाँ सब तरह के नशे करते हुए, गलत काम करते हुए, आप बोलते हैं ये पापी इंसान है, ये बड़ा विरोधी इंसान है, ये जो हिंदू बैकग्राउंड से बंदा है ना, ये बड़ा खतरनाक है, इसके पास मत जाना। आप मुझे इस तरह देख सकते थे, लेकिन यीशु मसीह आने वाले टाइम में मुझे प्रेरित के रूप में देख रहा था, वो आने वाले टाइम में मुझे पास्टर के रूप में देख रहा था। मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपका रिश्तेदार आपको बदल नहीं सकता, आपका प्यार करने वाला जो आपके लिए जान दे दे फिर भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, वो आपकी लाइफ में कुछ एडिशन नहीं कर सकता, आपकी लाइफ में सिंपथी दे सकता है, आपके लिए रो सकता है, आपको थोड़ा पैसा दे सकता है, लेकिन आपके कैंसर को, आपकी बीमारियों को, आपके ट्रबल को, आपके दिल के उस पेन को, उस दर्द को, उस अकेलेपन को, उस डिप्रेशन को वो दूर नहीं कर सकता। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा तो मेरे पास अगर आएगा तो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा और मैं तुम्हें सोता बनाऊंगा, तू भी मेरे जैसे सोता बहेगा तेरे मुंह से, तेरे मुंह से वो सोता बहेगा जब तू मेरे पास आएगा। हालेलुया। आप चर्च को ये आपकी पावर समझ होनी चाहिए कि आपके पास कौन सी पावर है, यीशु मसीह कैसे आपको देखते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह आपके लिए इतना कर रहे, वो आपके लिए इतना बड़ा सोच रहे, तो क्या अब यीशु मसीह में आने के बाद भी आपको पाप करना चाहिए, गलत काम करने चाहिए, चोरियां करनी चाहिए, चुगलियां करनी चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह ने आपको एक बड़ी बुलाहट दी है, बहुत बड़ी। वो कहता मैं तेरे जीवन को जल का सोता बनाना चाहता हूं, जीवन जल का। आप रिश्तेदार के पास बैठेंगे, आपके मुंह से जीवन जल का सोता बहेगा। आप किसी बंदे के पास बैठेंगे, आपके मुंह से जीवन जल का सोता बहेगा। अब वो टाइम नहीं है कि हम अपने जवानी के टाइम को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने में वेस्ट कर दें। इस चर्च की एक गवाही मुझे याद है, एक सिस्टर काम करती थी किसी मॉल में, और उस मॉल में एक लड़के ने कहा आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? उसने कहा मेरी फ्रेंडशिप पहले से ही है। किसके साथ? उसने कहा जीसस क्राइस्ट के साथ मेरी फ्रेंडशिप है, मैं लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करती। वो लड़का बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा ये कौन सी लड़की है, ये कैसी लड़की है, आम लड़कियां तो क्या झट एक्सेप्ट कर लेती, ये कौन सी लड़की, ये कौन से जीसस की बात कर रही? वो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें चर्च लेके चलूंगी, तू वहां देखना हम कैसे वर्शिप करते हैं, कैसे हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं। वो लड़का भी चर्च में आया, उस लड़की ने बपतिस्मा लिया, वो लड़का अलग से बहन भाई की तरह, हाँ ये नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के चर्च में आए। जब हमें यीशु मसीह के बारे में मालूम हो गया कि वो पापियों से प्यार करते हैं, तो क्या अब भी पाप करते रहे? हाँ, वो हमें मालूम हो गया कि पापियों को चुनता और ऊंचा करने के लिए आया, तो क्या अब भी हम पापियों की तरह उसी गटर में, उसी पाप में फंसे रहे? उसने कहा मैं तुम्हें जीवन जल का सोता दूंगा, क्या तू पीने के लिए तैयार है? हाँ, उसने कहा मैं तुम्हें जीवन जल का सोता दूंगा, वरन तो वो तेरे मुंह से तेरी जिंदगी एक सोता बन जाएगी, क्योंकि अभी वो तेरी जिंदगी सोता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तू पाप में है, तू छेवा पति है, तू कर चुकी, तू पाप में है। लेकिन अगर तू मुझे कहे मैं तुम्हें जीवन जल का सोता दूंगा, मैं तेरे पापों को माफ कर दूंगा, जो तेरे रिश्तेदार नहीं कर पाए, समाज ने रिजेक्ट कर दिया, बताए क्यों? उन्हें मालूम था ये करेक्टरलेस औरत है। दोपहर को अकेली पानी भरने के लिए जाती थी, कोई उसका साथी नहीं था, कोई सहेली नहीं थी। समाज आपको कुछ नहीं दे सकता, रिश्तेदार कुछ नहीं दे सकते। वो झूठा अफसोस करन जाते ना लोग, चलो आओ कितने जाना है, अफसोस कर आइए, चलो जी अफसोस करन जा रहे, ओके हाँ भैन जी वो माड़ा होया, चलो जो रब दी। और इधर टाइम देख रहे हैं, दुकान बंद ही ना हो जाए सूटा ली, हाँ क्योंकि उसके बाद सीधा कहाँ जाना है, सूटों की दुकान पे, क्योंकि अब आए तो हुए इतनी दूर, शॉपिंग करके जाते हैं, सूट भी ले जाओ, मदानियां भी ले जाओ, पतीले भी ले जाओ, रबड़ा भी ले जाओ, सारा कुछ ले जाओ। गलती इनकी नहीं है, दुनिया है ही ऐसी। तो जो सच्चा परमेश्वर है, जो कह रहा है अच्छा तू छोटा है मैं तुम्हें बड़ा कर दूंगा, अच्छा तू गरीब है मैं तेरे लिए आया हूं, तू कुचला हुआ है मैं तेरे लिए आया हूं, सुनो मेरी बात, वो कह रहा है मैं तुझे जीवन जल का सोता बना दूंगा, मैं तुझे आशीषित कर दूंगा, मैं तेरे भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक कर दूंगा, तेरा वंश पराक्रमी होगा, तेरा वंश बचाया जाएगा, मैं तुम्हें इतनी बरकत दूंगा रखने की जगह नहीं होगी। उसको हम बोलते नहीं नहीं ए वाला नहीं चाहिए, वही रिश्तेदार चाहिए जो फेक है, जो नकली है, जो नकली अफसोस करने के लिए आते हैं। यहोवा परमेश्वर ने कहा ये लोगों को राजा चाहिए जैसे अन्य जातियों में राजा होते हैं, इन्होंने तुझको नहीं शमूएल मुझको निकम्मा समझा क्योंकि मैं इनका राजा था। आपको वो नहीं करना जो अन्य जातियां करती हैं, आपको वो नहीं करना जो अन्य लोग करते हैं,
जो रीति रिवाज वो अपनाते हैं, जो सिस्टम वो अपनाते हैं। नहीं तो आप अभी आत्मा में नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे आप यीशु मसीह आपको त्याग देगा, वो आपको त्यागेगा नहीं। और आपकी लाइफ की कुछ बरकतें ऐसी हैं जो बोलती हैं, जिस तरह अब्राहम का इजहाक बोलता था, एस्तर की कुर्सी बोलती थी। हाँ या ना?